हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एक्सप्लोर इंटरेस्टिंग। तो यार ये वाला वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रूशियल टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जब भी इंक्लाइन प्लेन या वेज भी बोलते हैं इसको, नॉन वेज वाला वेज नहीं, वेज बोलते हैं, तो जब भी वेज पे हम कोई भी एक बॉडी को फेंकेंगे, बेसिकली एक फिसल पट्टी है उस पे कोई भी पार्टिकल को नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं या ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, तो कई बार हमसे पूछता है कि भैया ये जाके कहाँ पे टकराएगा वो पता लगाओ, या इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, कितनी देर हवा में उड़ के जाके वहाँ टकराएगा, चाहे नीचे से ऊपर फेंके चाहे ऊपर से नीचे फेंके, तो ये पूछता है। तो कई बार ऐसा होता है कि वो हमें कुछ पैरामीटर दे देता है, कुछ पैरामीटर पूछ लेता है और इंटरचेंज कर करके कुछ ना कुछ पूछता रहता है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम एक मेथड के बारे में बात करेंगे, वैसे तो इसके दो मेथड्स हैं, जिसे मैं एंगल टाइम मेथड बोलता हूँ और दूसरा टर्निंग द इंक्लाइन प्लेन मेथड। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए पहला जो मेथड है एंगल टाइम मेथड, इसको इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हम इस एंगल टाइम मेथड से इन क्वेश्चन को नॉर्मल इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसमें मैं टर्निंग द इंक्लाइन प्लेन का मेथड बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, तो उससे आपको कुछ नहीं करना, इंक्लाइन को मोड़ के हम सीधा प्रोजेक्टाइली बना लेंगे ग्राउंड टू ग्राउंड वाला और वहां से हम सॉल्व कर लेंगे। तो इस वीडियो में हम एंगल टाइम मेथड पे डिस्कशन करेंगे, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार इस मेथड को एंगल टाइम मेथड ही क्यों बोलते हैं, तो सबसे पहली बात है इसमें हम ये वेज का एंगल जो अल्फा है और जिस एंगल पे उसको फेंक रहे हैं इंक्लाइन प्लेन से, जिसे मैं थीटा बोलूंगा, तो ये एंगल्स हमें मान लो दे रखे हैं और वो कहाँ पे जाके टकरा रहा है उसके बारे में हमको पता लगाना है। तो यहाँ से जब उसको फेंका तो टी बराबर जीरो था, यहाँ से हमने अपने स्टॉप वॉच को स्टार्ट किया था और यहाँ पे जाके वो जब टकराया तो कुछ टी टाइम बीत चुका था, तो टी टाइम के बाद कितने एंगल पे जाके टकराया, तो वहीं से हम इसको एंगल टाइम मेथड बोलेंगे। अच्छा, इसमें एक बहुत अच्छा ट्विस्ट है जिसे मैं आगे बताने वाला हूँ, तो देखते रहो। तो इसमें सबसे पहली स्टेप जो आपको करनी है वो इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट्स आप कर लो। तो अगर आप ध्यान से देखो कि ये जो u इनिशियल वेलोसिटी है ये हॉरिजॉन्टल से देखो अल्फा प्लस थीटा एंगल बना रही है, तो ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा u cos अल्फा प्लस थीटा, राइट, और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा u sin अल्फा प्लस थीटा, ठीक है। तो यहां से आप सबसे पहला काम कर लो इनिशियल वेलोसिटी के, ऐसे करके कंपोनेंट्स आप तोड़ लो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो होने वाली है वो है आप x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट्स की इक्वेशन लिख दो, बोले तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो, बिकॉज हमारे पास t टाइम पे इसकी टक्कर का हिसाब है और x डायरेक्शन में कुछ x चल गया होगा, y डायरेक्शन में कुछ y चल गया होगा, तो इसको अपन y बोलेंगे, इसको अपन x बोलेंगे, तो उनकी इक्वेशन हमें मिलेंगी। और फिर एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट को हम लगाएंगे और हमारा क्वेश्चन फटाक से सॉल्व हो जाएगा। तो चलो देखते हैं कैसे करके लगाना है। सो दिस वे, तो हमको मान लो u थीटा एंड अल्फा जो पैरामीटर्स है वो हमको गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन पता है, वेज का जो एंगल है अल्फा वो हमें पता है सपोज, और इंक्लाइन प्लेन से कुछ जो एंगल थीटा बन रहा है वो हमें पता है, ठीक है। तो u अल्फा और थीटा में पता है, अब वो पूछ रहा है किस पोजीशन पे जाके फाइनली वो टकराएगा, राइट, x कॉमा y कोऑर्डिनेट्स हमको निकालना है और कितनी देर के बाद जाके यहाँ पे टकराएगा, तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट हमें निकालना है। तो सपोज यहां से जब उसको फेंका तो ये इसका ओरिजिन था 0.0, टी बराबर भी 0 है और फाइनली यहाँ पे टी टाइम हो चुका है, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहला काम इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट्स कर लो। तो बेसिकली यू है तो ये वाला हो जाएगा यू कॉस अल्फा प्लस थीटा, ऊपर हो जाएगा यू साइन अल्फा प्लस थीटा, राइट, कंपोनेंट्स अपन ने कर लिए। अब एक्स डायरेक्शन में आप डिस्प्लेसमेंट लिखो, बोले तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो, तो s बोले तो कुछ x चला होगा जिसको मैंने ऐसे दिखा रखा है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी x में क्या है, देखो ये वाली u cos अल्फा प्लस थीटा, ठीक है, और यू टी कितनी देर बाद वहां ऊपर पहुंच गया, मतलब x डिस्टेंस उसने t टाइम में चला और y डिस्टेंस भी उसने t टाइम में चला, तो यू टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन x में जीरो होती है, राइट, तो इसलिए वाली टर्म को यहां पे नहीं लिखा मैंने, वो जीरो हो गई। सिमिलरली y डायरेक्शन में जब आप डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखोगे, बोले तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखोगे, तो y बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अगेन, तो सपोज y में कुछ वो ऊपर y चला तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, बराबर u साइन अल्फा प्लस थीटा इसकी वर्टिकल वाली वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है इसलिए मैंने माइनस जी लिखा, धरती माता नीचे बुला रही है, राइट, तो हाफ ए टी स्क्वायर। तो आपके पास x का डिस्प्लेसमेंट y का डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो इसके बाद जो सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है वो ये है कि जो आपका वेज का एंगल है अल्फा वो तो बदलने वाला है नहीं, राइट, तो हम अल्फा के साथ अगर टैन अल्फा लिखें तो टैन अल्फा क्या होगा, y अपॉन x इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर,
राइट। तो y की इक्वेशन अपने पास है, x की इक्वेशन अपने पास है, उनको डिवाइड करना है तो tan अल्फा मिल जाएगा। तो tan अल्फा फिक्स्ड है, कुछ अल्फा की वैल्यू में गिवन है, राइट। तो tan अल्फा अगर आप लिखोगे तो वो होगी y वाली डिस्प्लेसमेंट अपॉन x वाली डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से हर बार एक चीज होगी कि t कट के एक अलग हो जाएगा और एक t बचा रह जाएगा। तो इधर से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको ये tan अल्फा पता, u पता, थीटा अल्फा पता, और यहां से t निकल के आ जाएगी। तो इस वेज एंगल वाले ट्विस्ट को आप लगाओगे तो आपको टाइम मिल जाएगा, और एक बार अगर आपको टाइम मिल गया तो उसके बाद टी की वैल्यू को यहां पुट कर दो, वाई मिल जाएगा। टी की वैल्यू को यहां पुट कर दो, एक्स मिल जाएगा। तो अपने को एक्स भी पता, अपने को वाई भी पता, उसका फाइनल कोऑर्डिनेट पता, टाइम ऑफ फ्लाइट पता, राइट। और इसी में हमने एक और चीज देखी थी कि अगर ऊपर से फेंकता हो तो कैसा दिखेगा, सिमिलर काम करना है। एक बार फटाफट उसको भी देख लेते हैं। तो सपोज अब इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर से एक पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी यू से फेंका गया है और ये हॉरिजॉन्टल से कुछ थीटा एंगल बना रहा है, राइट। तो अब सबसे पहला स्टेप क्या था, इनिशियल वेलोसिटी के आप कंपोनेंट्स ले लो। तो इनिशियल वेलोसिटी यू के आप कंपोनेंट लोगे तो दैट विल बी यू कॉस थीटा एज वेल एज ऊपर हो जाएगा यू साइन थीटा, ठीक है। तो आपके पास हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा दिया है इसलिए वो अल्फा वाला टर्म यहां पे नहीं आ रहा है। सेकंड स्टेप क्या थी, एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लिखो, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लिखो। तो लेट्स राइट इट। तो एक्स डायरेक्शन में आप देखो पीछे उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब नेगेटिव आई कैप में, राइट। तो सेकंड इक्वेशन अगर अपन लगाए तो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट देखो नेगेटिव एक्स एक्सिस में, इधर माइनस एक्स बराबर यू टी, यू देखो इनिशियल वेलोसिटी भी माइनस आई कैप में इसलिए मैंने यहां माइनस लगाया। तो एस बराबर यू टी और हाफ ए टी स्क्वायर में ए अलोंग एक्स जीरो होता है, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स इज जीरो इसलिए उसको जीरो कर दिया, ठीक है। तो वाली टर्म चलिए, तो एस बराबर यू टी कुछ ऐसा बन गया। तो वाई डायरेक्शन में एस बराबर यू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई क्या है, ऊपर की तरफ यू साइन थीटा। तो यू साइन थीटा टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन अलोंग वाई क्या है, नीचे धरती माता नीचे बुला रही है, हाफ जी टी स्क्वायर, राइट। तो इस तरीके से वाई की इक्वेशन लिख लो। और फाइनली अपना जो ट्विस्ट था दैट वाज द एंगल ऑफ वेज या वेज एंगल, तो उसको अगर आप लगाओ तो वो क्या था, टेन अल्फा बराबर परपेंडिकुलर बटा बेस। तो यहाँ देखो ये वाला जो हाइट होगा यही तो वाई होगा और जो बेस होगा वही तो ये एक्स भी होगा, तो सेम काम करना है। तो वाई की इक्वेशन को यहाँ रख दो, एक्स की इक्वेशन को नीचे रखो, हर बार की तरह एक टी उड़ जाएगा, एक टी शहीद हो जाएगा। तो अपने पास वाई बाय एक्स कुछ ऐसा मिलेगा। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। एक बार आपको टाइम मिल गया तो ऊपर पुट करो तो वाई मिल जाएगा, देन इस टाइम को और ऊपर पुट करो तो एक्स मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमको एक्स वाई एज वेल एज टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। तो बस प्रॉपरली आप देखो, अगर इसको ओरिजिन बोला है तो माइनस एक्स चला पीछे और माइनस वाई चला नीचे, तो आप फाइनल कोऑर्डिनेट इस तरीके से आप बता सकते हो, राइट। तो इस तरीके से सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो अभी तक जितना भी कुछ अपन ने सीखा, चलो इस कॉन्सेप्ट की टेस्टिंग करते हैं एक बहुत ही शानदार प्रॉब्लम को करके। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप थोड़ी देर के इस वीडियो को रोको, पॉज करो और इस क्वेश्चन को खुद से एक बार ट्राई करो, फिर मैं जब सॉल्व करूंगा तो आप देखना मैं किस तरीके से कर रहा हूं। अगर आपका तरीका और मेरा तरीका मैच करता है इसका मतलब हम एकदम राइट ट्रैक पे चल रहे हैं और आप बहुत ही सही डायरेक्शन में जा रहे हो, राइट। तो दैट्स अ वेरी गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस। तो चलो इसको ट्राई करो जल्दी से। ऑल राइट, तो आपने आई होप क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। तो अब चलो देखते हैं करना कैसे है। तो सबसे पहली चीज क्या है, हमको क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। तो बोल रहा है एक छोटा सा पार्टिकल है, उसको हमने 30 डिग्री एंगल विद द इंक्लाइन प्लेन पे फेंका, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन से 30 डिग्री पे हमने फेंका। और बोल रहा है इंक्लाइन प्लेन हैव एन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री। तो इंक्लाइन प्लेन का खुद का जो वेज एंगल है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जिसको हम बोलते हैं, वो खुद 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो बोल रहा है स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन 50 मीटर पर सेकंड है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन 50 है। तो पूछ रहा है फाइनल पोजीशन जहां पे वो पार्टिकल जाके हिट करेगा इंक्लाइन प्लेन को वो पता लगाओ, और कितना देर वो हवे में रहेगा दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट आप पता लगाओ। ऑल्सो एक ट्विस्ट मैंने इसमें दिया है कि किस एंगल पे वो इंक्लाइन प्लेन को हिट करेगा फाइनली, वो एंगल आपको पता करना है। तो सोचो इस एंगल को अपन हॉरिजॉन्टल से निकाल के बताएंगे, ठीक है। एक बार एक एंगल पता चल गया तो ये ऊपर के साइड के आगे के पीछे के ऊपर के नीचे सारे एंगल आप निकाल सकते हो, राइट। इतने होशियार तो आप हो। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम है अपन को इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट करने हैं, राइट। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 50 हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, 60। तो एक्स एक्सिस में उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 50 cos 60, वाई डायरेक्शन में उसकी स्पीड हो जाएगी 50 sin 60। तो इसके कंपोनेंट अपन ने तोड़ फोड़ दिए, राइट। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या बोलता है, एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लिखो, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लिखो। तो एक्स डायरेक्शन में आप लिख सकते हो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स जीरो है तो वाली टर्म को खा जाएंगे। तो एस बराबर यू टी आप लिख सकते हो, तो एक्स बराबर इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स टाइम्स टी टाइम ऑफ फ्लाइट। वाई डायरेक्शन में आप लिखोगे
तो y में डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ है तो पॉजिटिव, s बराबर u इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस इनटू t प्लस हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नीचे लग रही है धरती माता तो माइनस 10 इनटू t स्क्वायर। तो इस तरीके से y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लिख लो। फाइनली जो अपना ट्विस्ट था एंगल ऑफ वेज, तो एंगल ऑफ वेज कितना दिया 30 डिग्री। तो 30 डिग्रीज पे अपना एंगल ऑफ वेज है बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन बेस को अपन tan 30 करके लिख सकते हैं, राइट। यही अपना एंगल ऑफ वेज का हिसाब किताब है। y की इक्वेशन लिखो, x की इक्वेशन लिखो, वो जो हो रहा था मैंने बताया था एक टी शहीद हो जाएगा, शहीद हो गया, स्वाहा। फाइनली यहाँ से आपको टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा 10/√3, ठीक है। अभी 10/√3 को यहाँ पुट करो तो y मिल जाएगा, 10/√3 को ऊपर पुट करोगे तो x मिल जाएगा। देखो भैया x और y दोनों मिल गए, अपना काम बन गया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाल के बता दिया, किस पोजिशन पे वो टकराएगा वो भी अपन ने बता दिया, राइट। फाइनली पूछा था किस एंगल पे वो इंक्लाइन प्लेन को हिट करेगा जाके, ये पता लगाओ। तो चलो देखते हैं। तो सपोज ये जो v वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रही है, राइट। तो x डायरेक्शन में इसकी स्पीड का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v cos थीटा, y डायरेक्शन हो जाएगा v sin थीटा। ये हो गया फाइनल वेलोसिटी के कंपोनेंट्स। x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 50 cos 60 और y डायरेक्शन में 50 sin 60, जैसा हमने अभी देखा था, ठीक है। अब जब भी एंगल निकालने की बात आई, इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी, जिसमें हमने किसी भी एक टाइम पे वो कितना एंगल बना रहा होगा, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, उस पर हमने बात की थी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लास्ट वाले वीडियो में भी इस तरीके का हमने एक जगह पे कॉन्सेप्ट सीखा था, तो उस वीडियो को आप जरूर देखो और उस कॉन्सेप्ट को आप जरूर सीखो, वो आपके बहुत काम आएगा। और यहां भी वही काम अपन करेंगे। तो जब भी इस तरीके का बोलेगा तो आपको बस ये ध्यान रखना है, आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है। वाई? क्योंकि हमको इनिशियल वेलोसिटी पता है और फाइनल वेलोसिटी का वी और थीटा में हमको बात करनी है, और यहाँ पे टाइम पता है कि फाइनली इतने टाइम के बाद वो वहां जाके टकराएगा। तो टी पता, फाइनल वेलोसिटी निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, इसलिए फर्स्ट इक्वेशन में ये सारी वैल्यूज हम डालेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, इसलिए फर्स्ट इक्वेशन यूज करनी है, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में आप फर्स्ट इक्वेशन लगाओ, वी फाइनल वेलोसिटी बोले तो वी कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल वाली बराबर 50 cos 60, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में आप फर्स्ट इक्वेशन लगाओ। सेकेंडली y डायरेक्शन में फर्स्ट इक्वेशन वापस लगाना है अपन को, ठीक है। तो फाइनली y डायरेक्शन में स्पीड क्या है, माइनस वी साइन थीटा, बिकॉज नीचे माइनस जे कैप होता है, राइट। तो y डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी माइनस वी साइन थीटा, इनिशियल वेलोसिटी है 50 sin 60, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी 50 साइन 60 प्लस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लग रही है 10, इसलिए माइनस 10 इंटू टी, वी बराबर यू प्लस एटी। तो आप नोटिस करो इन दोनों इक्वेशंस को, मतलब y वाली इक्वेशन और x वाली इक्वेशन को आप डिवाइड करो तो आपको देखो वी वी कैंसिल होके साइन अपॉन कॉस टेन मिल जाएगा। तो टेन थीटा मैंने निकाला तो ये निकल के आता है 1/√3। तो 1/√3 कब होता है, जब थीटा 30 डिग्री होता है। तो इसका मतलब अपन को किस एंगल से हॉरिजॉन्टल से टकरा रहा होगा वो पता चल गया 30 डिग्री। तो एक बार थीटा पता चल गया तो उसको उठा के किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो तो वहां से आपको वी मिल जाएगी। और जब मैंने वी निकाला तो वो निकल गया ये 50/√3 meter/s। तो कोशिश करते रहो, ऐसा नहीं है कि मिस्टेक्स नहीं होती, मिस्टेक सबसे होती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी मिस्टेक से सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, राइट। तो मैं बोलता हूँ कि हम कभी कभी वी विन और समटाइम्स वी लर्न, ठीक है, हारने का कुछ नहीं है, सीखने का है, तो हमेशा सीखते चलो। तो इसी नोट के साथ अपन इस वीडियो को फिनिश करते हैं। अगले वीडियो में एक बहुत ही क्रिएटिव तरीका बताने वाला हूँ टर्निंग द इंक्लाइन प्लेन का, तो उसको भी आप जरूर देखना, उसमें इसी को सॉल्व करने का एक और क्रिएटिव तरीका आपको समझ में आएगा। तो आई होप आप फिजिक्स को एंजॉय कर रहे हो, सीखते रहो, ऐसा नहीं है सीखने का नहीं है, सीखते रहो, सब बनेगा, ठीक है। लर्निंग कर्व होता है, चीजें धीरे धीरे अपन को सीखने को मिलती है, राइट। तो इस तरीके से सीखते रहो और एक्सप्लोर करते रहो जो भी आपको इंटरेस्टिंग लगे, राइट। तो इसी नोट के साथ वीडियो को कंक्लूड करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप इससे आपको कुछ बढ़िया सीखने मिला। फिर मुलाकात होगी जल्दी, टिल देन टेक केयर, टाटा, गुड बाय।